ही दिन बाकी है, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, किससे पढ़े? अरे बाबा रिलैक्स, मैं हूं ना, मैं बताती हूँ। देखो, री अटेम्प्ट के डर के साथ और प्लान बी की सोच के साथ तो तैयारी नहीं की जाती। मेहनत, लगन और ढेर सारा मोटिवेशन ही आपकी तैयारी के सफर को अंजाम तक पहुंचाएगा। जुडिशियरी का तैयारी का सफर कुछ दिनों का खेल नहीं, महीनों तक का सफर है। पर अब बाकी तो कुछ दिन ही है, तो यहाँ ट्रायल और एरर का कोई स्कोप नहीं बचता। तो 24 घंटे को 32 बनाना पड़ेगा, नींद को थोड़ा कम करना पड़ेगा, पर कर लीजिएगा, क्योंकि बात अब बस कुछ दिनों की है। तो अगर अब थोड़ा सा मोटिवेशन मिल गया है, तो डर को थोड़ा साइड पे रख के चलिए कुछ ऐसी किताबों की बात करते हैं जो आपकी तैयारी में मदद कर सकता है। तैयारी ना कभी हिस्सों में या डिवीजन करके नहीं की जाती। पहले प्रीलिम्स की तैयारी कर लेते हैं, फिर मेंस का सोचेंगे। पहले प्रीलिम्स का रिजल्ट आने दो, उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में लेके हमें चलना है। तो पहले जान लेते हैं कौन से सब्जेक्ट्स हैं हमारे एमपीसीजे के एग्जाम में। जब बात होती है सिविल लॉ की, तो सीपीसी तो भैया आना ही है, संविधान भी आना ही है। फिर आ जाते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एसआरए। फिर बात आ जाती है क्रिमिनल लॉज की, तो आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये भी तो हमारे बाइबल है। उसके साथ साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। फिर लोकल लॉज की बात करते हैं, एमपी अकोमोडेशन और एमपी लैंड रेवेन्यू कोड, ये दोनों हो जाते हैं हमारे लोकल लॉज का सिलेबस। और बात आ जाती है कुछ स्कोरिंग सब्जेक्ट्स की, जिसे अक्सर हम टेंशन में भूल जाते हैं, या तो फिर लॉ की पढ़ाई के साथ साथ उसे कैसे करें ये ही सोच में रह जाते हैं। जीके, कंप्यूटर और इंग्लिश, ये तीन सब्जेक्ट्स है। ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसे ज्यादातर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, पर वही आपको मार्क्स में कट ऑफ तक पहुंचाने में हेल्प करता है। तो चलो एक के बाद एक जानते हैं कि कौन सी ऐसी बुक्स है इन एक्ट्स के लिए, इन लॉज के लिए, जिसे हम रिफर कर सकते हैं। पहले हम आ जाते हैं प्राइमरी सब्जेक्ट्स क्रिमिनल के। कितने हैं? सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। इसके लिए आप इन बुक्स को रिफर कर सकते हैं। सीआरपीसी के लिए आरवी केलकर साहब की बुक है, आईपीसी के लिए प्रोफेसर केडी गौर की बुक है, एंड लॉ ऑफ एविडेंस के लिए डॉक्टर अवतार सिंह की बुक है। देखिए, ये जो बुक्स है वो रिकमेंडेड बुक्स है। इसमें मेरे हिसाब से जिसकी लैंग्वेज अच्छी है, जो समझने में थोड़ा इजी रहता है और जिससे इलाबोरेटली समझाया हुआ है या पॉइंटर्स में समझाया हुआ है, ऐसी बुक्स को हमें रिफर करना चाहिए, ताकि इजीली हम उसे कॉन्सेप्ट को समझ सके। रिकमेंडेशन ऑफ बुक्स क्यों होती है? बिकॉज उस लॉ को अच्छे से उसका इंटरप्रिटेशन हम समझ सके और उसके पीछे का मीनिंग समझ सके। बाकी बेयर एक्ट में तो सब दिया ही है। फिर हम आ जाते हैं कुछ सिविल के सब्जेक्ट्स की। सिविल के जो प्राइमरी सब्जेक्ट है, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखो, सीपीसी में आ गए सी के तकवानी साहब, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आ गए एम लक्ष्मीकांत साहब, और कॉन्ट्रैक्ट में आ गए फिर से डॉक्टर अवतार सिंह। अब बात करते हैं सेकेंडरी सब्जेक्ट्स की, जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, लिमिटेशन एक्ट और एसआरए। अब एसआरए को तो आप कॉन्ट्रैक्ट की वाली बुक के साथ में ही पढ़ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट और एसआरए का एक बुक है अवतार सिंह का। उसके बाद आ जाते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, तो उसके लिए रिकमेंडेड बुक है आर के सिन्हा साहब की बुक। फिर आ जाते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो उसके लिए बुक है आर के बांगिया साहब की बुक, एंड देन इंडियन लिमिटेशन एक्ट के लिए जे डी जानी साहब की बुक। ये जो सारे भी रिकमेंडेशन है, चाहे सेकेंडरी सब्जेक्ट है, चाहे प्राइमरी सब्जेक्ट है, चाहे क्रिमिनल है, चाहे सिविल है, ये मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, जहां की लैंग्वेज मुझे ज्यादा बेटर लगती है, जहां से मुझे लगता है कि अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो ये इसके लिए आप इन बुक्स को रिफर कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कुछ हमारे फेवरेट सब्जेक्ट की, इंग्लिश, कंप्यूटर और जीके। देखो, जीके के लिए हमारे पास अरिहंत की बुक्स होती है, उसे आप रिफर कर लो। इंग्लिश तो वैसे कॉमन ही होता है, लेकिन फिर भी अरिहंत की बुक है, ब्रेनन मार्टिन है, ये सारी बुक्स को आप रिफर कर सकते हो अपने इंग्लिश को पावरफुल बनाने के लिए, ग्रामर पे थोड़ा ध्यान देने के लिए। और फिर कंप्यूटर में लूसेंट की बुक है, जिसे आप रिफर कर सकते हो। और अब बात करते हैं लोकल एक्ट्स की, तो बेयर एक्ट से बढ़कर और कोई बुक नहीं है जिसको मेरे हिसाब से आपको रिफर करना चाहिए। बेयर एक्ट ही आपके लिए सफिशियंट रहेगा लोकल एक्ट्स के लिए।
अब मैं कुछ बात करती हूँ स्पेसिफिकली प्रिलिम्स के लिए जो बुक्स हम पढ़ सकते हैं, रिफर कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे, अरे मैडम अभी तो आपने बोला प्रिलिम्स और मेंस की साथ में तैयारी करनी है। हाँ भैया साथ ही में तैयारी करनी है, पर जब प्रिलिम्स का डेट नजदीक आ रहा है, सर पे तांडव करेगा, तब तो हो जाएगा ना कि अब रिविजन नहीं हो रहा मुझसे, अभी मैं ये नहीं रिफर कर पाऊंगा, इतनी मोटी मोटी बुक्स कैसे पढ़ूंगा, कब पढ़ूंगा, कब खत्म होगा। तो उस टाइम पीरियड के लिए ये कुछ बुक्स है जिसे आपको रिफर करना है, जिससे आपको रिविजन भी करना है और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। कौन सी बुक्स है? सिंगल पब्लिकेशन की जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के एमसीक्यूज की बुक, ये तीन का सेट है, आप इसे देख सकते हो, इसमें सब्जेक्ट्स लिस्ट डाउन है। अब बात कर लेते हैं कुछ रीडिंग मटेरियल्स की। मैं रीडिंग मटेरियल्स बताऊंगी तब मुझे यकीन है कि काफी स्टूडेंट्स ये बोलेंगे, मैम ये पहले रिकमेंड कर देते, यही पहले बता देते हमें। तो चलो अब बता देती हूँ कि पहली और फॉरमोस्ट थिंग, चाहे जीके इम्प्रूव करना है आपका, चाहे इंग्लिश इम्प्रूव करना है, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, अच्छे से वोकैबुलरी आपका इम्प्रूव होगा और करंट अफेयर्स के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। फिर हम आ जाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्विंग पे और मॉक टेस्ट पे, ये तो हमें जैसे जैसे प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है वैसे करना ही है। और लास्टली बेरेट, देखो जो भी बुक्स रिकमेंडेड है वो तो हमें रिफर रेफरेंस के लिए पढ़ना है, इंटरप्रिटेशन को समझने के लिए, सेक्शन को प्रोविजन को समझने के लिए पढ़ना है, पर इसका ये मतलब नहीं बेरेट को पूरा साइड में ही रख दे, नहीं, बेरेट पढ़ो पहले, वहां से सेक्शन पढ़ो पहले, समझो कि वो एक्ट का क्या मतलब है, कौन से प्रोविजंस है, उसको बाइफर्गेट कैसे किया है, इसके बाद आप वो रिकमेंडेड बुक्स पढ़िए ताकि अच्छे से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और लास्ट में आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट बुक, जो है आपके नोट्स। आप अपना खुद का नोट्स बनाइए, जो भी प्रोविजन है उसे लिखिए, चाहे कोई भी आप बुक रिफर कर रहे हो उसमें जो चीजें लिखी हुई है वो आप नोट डाउन कीजिए, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, और ये जो अपना नोट्स है वो आपको लास्ट दिन तक काम लगेगा, दिन के एंड में जब थकान हो गई है तो आप इसको खोल के रिवाइज कर सकते हैं। जब लास्ट में एग्जाम नजदीक पहुंच गया है, बस कुछ ही घंटों की बात है, तब आप इसे खोल के रिवाइज कर सकते हैं। अपनी हैंडराइटिंग में अपनी चीज पढ़ने के वजह से आपको अच्छे से वो चीज याद रह सकती है और आप इजीली समझ भी पाएंगे। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रीडिंग मटेरियल है, आपके खुद के नोट्स। तो अगर अब क्लियर हो चुका है कि कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े और किससे पढ़े, तो बांध लो अपना रुमाल और करो हर मैदान फतेह।